हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव ग्रुप्स पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के भौतिकी यानी फिजिक्स के असाइनमेंट के बारे में। पूरा सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में सितंबर के असाइनमेंट का, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर पहला। अपवाह वेग क्या है? अपवाह वेग और धारा में संबंध प्राप्त कीजिए। उत्तर है, अपवाह वेग किसी धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन का वह औसत एवं समान वेग है जो उस धातु पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। अपवाह वेग का मान लगभग 10⁻⁴ की कोटि का होता है। फिर आपको यह चित्र बना लेना है। फिर है, माना प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो कुल आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL होगी, जहाँ AL तार का आयतन है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e है तो कुल इलेक्ट्रॉनों का आवेश Q=NaLe, तथा हम जानते हैं कि धारा I=dQ/dt, तब I=dNaLe/dt, I=NeA.dL/dt, I=NeA.vd, since dL/dt=vd, यहाँ vd अपवाह वेग है। तो फिर प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए। चित्र में एक ही धातु के दो चालकों और प्रतिरोधकता क्रमशः P1 एवं P2 हैं, इसके लिए ज्ञात कीजिए P1 एवं P2 के अनुपात, R1 एवं R2 के अनुपात। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख ले सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्लियर क्वालिटी में PDF मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को भी, यहाँ पर आपको लगातार वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। 8400400400, जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर क्वेश्चन हर डाउट का सलूशन मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन में व्हाट्सएप का 8400400400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन करके जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचिए और उसे क्रॉप करके सेंड कर दीजिए और 5 सेकेंड के अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT JEE मेन्स, नीट, CBSE एंड अदर स्टेट बोर्ड सभी के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए डाउटनेट के 8400400400 व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट सेंड कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। मैंने ऑलरेडी 12th क्लास के 3 असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, कल शाम तक आपको सारे सब्जेक्ट के सभी असाइनमेंट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, लगातार क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, 1 एम्पीयरीय पाश के लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान B=μ0I है, μ0I/2πr है। इस संबंध के लिए 4 प्रमुख निष्कर्षों का व्याख्या कीजिए। जो इमेज है वो थोड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने इमेज थोड़ा चमका दिया, लेकिन आपको PDF में क्लियर मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा। इसका आंसर आप लिख लीजिएगा पूरा क्लियरली। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हैं, या तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में हमारे, और या तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, परावैद्युतांक ई तथा पारगम्यता म्यू की तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। इसका भी आंसर आपके सामने दिख रहा है, लिख लीजिएगा। इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो लगभग एंड हो चुका है। प्रश्न नंबर 5 का अ है, विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए, और इसी का ब है, दिए गए चित्रों में धारक आई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी साथ हमारा जो वीडियो है वो एंड होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए असाइनमेंट के साथ, नए सब्जेक्ट के। कमेंट जरूर आएगा आपको किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट पहले चाहिए, जिससे मैं उसको आपको पहले प्रोवाइड करा पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।